राज्य की यूपीए गठबंधन सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी झारखंड की ओर से पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार के झूठ और लूट के 2 साल की नाकामियों को गिनाया गया। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये झामुमो कांग्रेस एवं राजद गठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह संलिप्त है। सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचारियों को लूट की छूट मिली हुई है। सरकार के संरक्षण में खनिज का अवैध उत्खनन एवं अवैध वसूली की जा रही। मनरेगा मजदूरों के भुगतान में भी भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों के लिए भेजे गए राशन के वितरण में गड़बड़ी और घोटाले हो रहे हैं। पंचायत चुनाव ना कराकर ये सरकार पंचायत का उनके अधिकार को छीनने का काम कर रही है। ये सरकार तुष्टिकरण एवं धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। राज्य के साथ साथ साहिबगंज का बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है। वहीं मेरे द्वारा लगातार विधानसभाओं में मांग की जा रही है कि साहिबगंज में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, साथ ही स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ किया जाए। आगामी 29 दिसंबर को यूपीए सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। इस आयोजन में मुख्य रूप से यूपीए शासन के झूठ और लूट के 2 साल के रूप में यह सरकार जानी जाएगी और इसको जब समग्रता के साथ हम जब आकलन करते हैं तो प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार ने प्रदेश के नौजवानों से लगातार वादा करते आ रही है यह वर्ष 2021 नियुक्ति वर्ष के रूप में होगा, लेकिन आपके माध्यम से साहेबगंज जिला की जनता को बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने प्रदेश के नौजवानों से चुनाव से पूर्व और अपने घोषणा पत्र में भी और साथ ही साथ कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी आपने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन नौजवानों को रोजगार तो मिला नहीं। और यह भी कहा था कि जिन नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाएंगे वैसे ग्रेजुएट युवाओं को हम प्रतिवर्ष 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है, आज देख रहे हैं कि नौजवान सड़कों पर है, लगातार युवा संघर्ष कर रहे हैं, जेपीएससी में हुए घपले घोटाले को लेकर के कोई भारतीय जनता पार्टी ने या अभ्यर्थियों ने आरोप नहीं लगाया है। स्वयं जेपीएससी जो एक स्वायत्त संस्थान है, वह जेपीएससी ने 49 छात्रों का परिणाम निकला हुआ और यह कहते हुए उसका परिणाम रद्द किया कि नहीं, ये लोग परीक्षा में भी नहीं बैठे हैं या इन लोगों का ओएमआर सीट जमा ही नहीं हुआ है। यानी जेपीएससी ने खुद स्वीकार कर लिया कि हमसे गड़बड़ी हुई है, इस परीक्षा फल में इस प्रकार की अनियमितता हुई है, टिकी हुई है। आखिर सरकार बचाना किसको चाहती है? उसी प्रकार से झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग, उसमें झारखंड उत्पाद सिपाही के 518 पद, पुलिस में स्पेशल ब्रांच के 1012 पद, एएनएम के नियुक्ति के 1791 पद, उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि बैकलॉग के माध्यम से एएनएम के नियुक्ति के 295 पद, ऐसे झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय परीक्षा 1280 पद और झारखंड के विभिन्न जिलों में चालकों के जो पद थे, झारखंड जेएसपीएल के अधीन हजारों नियुक्तियां पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में निविदा पर अनुबंध पर निकली थी, ऐसी सारी नियुक्तियों को वर्तमान सरकार आते ही या तो रद्द कर दिया गया या येन केन प्रकार उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में देखेंगे, अब तो सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी
अब युवाओं को नौकरी देने की बात छोड़ करके अपने संबोधनों में अब मुर्गी अंडा बेचने की बात करना शुरू कर दिए हैं। इसको लेकर के प्रदेश के नौजवान हतप्रभ है, निराश है सरकार से, और उनके अंदर आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। उसी प्रकार से जब इस प्रदेश की बदहाली का आलम हम देखेंगे तो प्रदेश के अंदर विधि व्यवस्था का किस प्रकार से अराजकता के दौर से यह राज्य गुजर रहा है कि स्वयं विधानसभा के अंदर सरकार ने यह स्वीकार किया है कि विगत दो वर्षों के अंदर 3200 से अधिक दुराचार की घटनाएं हुई है, 3486 हत्या की घटनाएं हुई है, उसी प्रकार से 1271 लूट के मामले दर्ज हुए हैं। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रदेश के अंदर ये तो ऐसी घटनाएं हैं जो रिकॉर्ड में दर्ज है। बिना रिकॉर्ड के भी अनेक सारी योजनाएं ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, जहां नौजवान परेशान है, किसान बदहाल है। किसानों की बदहाली का आलम देखें आप तो चुनाव के समय में यूपीए गठबंधन के दोनों प्रमुख दल, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और यूपीए की सरकार ने लगातार लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। और आप देख सकते हैं कि जो गांव की सरकार थी, जो गांव के लोग मिल करके अपने बारे में विचार कर सकते थे, सोच सकते थे, योजनाएं बना सकते थे, गांव के सरकार की योजनाओं को भी, उनके जो अधिकार है उस अधिकार को भी सरकार लगातार हनन कर रही है। और उन्हें डर है कि अगर पंचायत चुनाव होगा तो विगत दो वर्षों में सरकार एक कदम भी नहीं चल पाई है, इसलिए लोगों के, सामान्य जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, इसलिए पंचायत चुनाव को पिछले दरवाजे से लगातार टालने का काम ये वर्तमान सरकार कर रही है। विधानसभा के अंदर मॉब लिंचिंग का बिल का पास किया, लेकिन बिल पास करते हुए ये लगाया इल्जाम कि 2014 से 2019 तक में बहुत अधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी है, इस पर क्या कहेंगे आप? पहले जो विधेयक सरकार लाई है, एक तो मैंने भी उस सदन के अंदर संशोधन लाया था उस विधेयक पर, और सरकार का न नीति स्पष्ट है, न नियत स्पष्ट है, न उनका करने काम करने के उनके अंदर प्रेरणा है। जिस वर्ग समूह के बारे में वो विधेयक लाया गया है, वह यह सरकार केवल और केवल वोट बैंक को पोषित करने वाली राजनीति के तहत इस प्रकार से जनता का ध्यान भटकाने के लिए मॉब लिंचिंग नाम दे करके ये विधेयक सदन के अंदर लाई है और बहुमत के बल पर सदन के अंदर पास करवाई है। मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहते हैं कि आप यूपीए सरकार के इस दो साल के अंदर जो राज्य के अंदर घटनाएं घटी है, आप उठा करके देख लीजिए कि कथित मॉब लिंचिंग, जिसको मैं मॉब लिंचिंग सरकार या यूपीए गठबंधन के लोग जिसका नाम दे रहे हैं, यूपीए शासन में कितनी मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी है, किस प्रकार से सामूहिक रूप से हमारे आदिवासी भाइयों का चाईबासा के अंदर नरसंहार हुआ है। ये जानबूझ करके सरकार ने इसको एक, जबकि उस पूरे विधेयक को आप उठा करके देखेंगे तो उसमें किसी धर्म विशेष का उल्लेख नहीं है, लेकिन सरकार में बैठे हुए मंत्री और शासक वर्ग लगातार इस बात को साबित करने के लिए लगी है, यह अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के लिए, अल्पसंख्यक को पोषित करने वाला, संरक्षण देने वाला यह बिल विधेयक लाया गया है। इसलिए सरकार, जो वर्तमान यूपीए सरकार है, यह सरकार किसी का भला करने के बारे में नहीं विचार कर सकती है। यह जल्दीबाजी में लाया हुआ बिल है और केवल राज्य के अंदर जो लोगों में आक्रोश है, खास करके नौजवानों के रोजगार के विषय पर, किसानों के 2 लाख रुपये उसको अनुदान देने के विषय, ऋण माफी के विषय पर, मजदूरों के बदहाली के विषय पर, राज्य में ठप पड़ा हुआ विकास कार्य है, मनरेगा में मची हुई भारी लूट है, इससे ध्यान भटकाने के लिए इसी प्रकार के विभाजनकारी राजनीति को सरकार ने पोषित करने का काम किया है। 2 साल के नाकामियों को छुपाने के लिए मॉब लिंचिंग बिल लाया, निश्चित रूप से सरकार ने, जहाँ एक और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों का जीवन स्तर बदलने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत DBT के माध्यम से प्रति किसान 6,000 रुपया देने का काम प्रारंभ किया, वहीं दूसरी ओर पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में किसानों के हित के लिए ये जो प्रधान मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत प्रत्येक किसान भाइयों को 5,000 से लेकर के 25,000 रुपया तक कृषि आशीर्वाद योजना के माध्यम से देने का काम किया था।
लेकिन वर्तमान सरकार आते ही किसानों के जीवन बदलने लाए जो कृषि आशीर्वाद योजना थी उसको बंद करने का काम किया। उसी प्रकार से आप आगे देखेंगे कि सरकार के जो अन्य विभागों के अंदर भी मजदूरों का स्थिति क्या है, मजदूरों के बारे में सबको मालूम है, मनरेगा का स्थिति क्या है, मनरेगा के बारे में मालूम है, साहेबगंज जिले के बारे में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम गुहार लगा रहे हैं। पिछला विधानसभा सत्र में हमने साहेबगंज से लिट्टीपाड़ा तक, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में जो ADB सड़क है उसकी बदहाली आपने देखा होगा, किस प्रकार से सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद कैबिनेट से उन्होंने करोड़ों रुपया की स्वीकृति प्रदान की, लेकिन आज 3 महीना हो गया उस सत्र का, इस सत्र में भी मैंने उठाया बदहाली का मामला, आज भी वो सड़क बदहाल पड़ा हुआ है। किस प्रकार से शासन तंत्र संवेदन शून्यता का शिकार है, मिर्जा चौकी से लेकर के आप राजमहल तक चले जाइए, उस सड़कों का स्थिति क्या है। आपको ध्यान में होगा कि पहली बार राजमहल विधानसभा क्षेत्र की जनता का जब आशीर्वाद मुझे मिला था तो NH के सड़क को भी हम लोगों ने उसको PWD के माध्यम से करमटोला से लेकर के सबसे खराब हालत में थे मस्कलैया तक उस सड़क के बनाने का काम किया था, लेकिन आज मिर्जा चौकी से लेकर के राजमहल तक लगातार अधिकारियों के बैठक में, लगातार राज्य सरकार के अधिकारियों के पास हमने विधानसभा स्तर पर लगातार उठाने का काम किया और सरकार निश्चित रूप से संवेदन शून्यता के शिकार बनी रही। आप साहेबगंज के बारे में देख सकते हैं कि पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में, या कहे तो पहले से भी, न केवल पूर्ववर्ती सरकार में, इसके पूर्व से भी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से यहाँ हजारों परिवारों का घर साहेबगंज में नगर क्षेत्र में बनने का काम हुआ था। जैसे ही यह सरकार आई, इनके अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण, मैंने इस बार विधानसभा में प्रश्न भी किया था, उसको अगले बार अगले दिन आप लोगों से चर्चा में करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यजनक तरीके से पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार से लेकर के और आज तक के मंत्री जी ने हम सबको अवसर प्रदान किया है। आकांक्षी जिला के माध्यम से साहेबगंज में भी जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज बनने का स्थिति है, लेकिन दुमका से भी 150 किलोमीटर दूर, देवघर एम्स से भी 200 किलोमीटर दूर, और सबसे पहले प्राथमिकता में सरकार को साहेबगंज को स्थान देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यजनक तरीके से अभी तक मेडिकल कॉलेज का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाया है। ऐसे अनेक क्षेत्रों में जब हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी चाहे किसानों के मुद्दे को लेकर के, चाहे नौजवानों के मुद्दे को लेकर के, चाहे मजदूरों को मुद्दे को लेकर के, चाहे प्रदेश की बदहाली को लेकर के, लगातार सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष कर रही है। और यह सरकार, वर्तमान UPA की सरकार, लगातार तुष्टीकरण की नीति को पोषित करने के लिए निरंतरता के साथ, आप देखेंगे कि विधानसभा में चाहे वो नमाज कक्ष खोलने का मामला हो, नमाज नीति के माध्यम से जो प्रदेश के नौजवान सड़कों पर रोजगार की मांग कर रहे थे, नौजवानों के रोजगार नीति पर चर्चा करने की बजाय सरकार, UPA सरकार नमाज नीति पर करने में व्यस्त थी। अभी आपने देखा होगा कि पूर्व से पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में जो नियुक्तियां हो रही थी कर्मचारी चयन आयोग में, उस कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्तियों में भी, चाहे वो उर्दू की बात हो, चाहे बंगला की बात हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे खोटा हो, झारखंड की बोली जाने वाली जितनी क्षेत्रीय भाषाएं थी सबको प्राथमिकता में था, लेकिन यह सरकार केवल तुष्टीकरण को पोषित करने के लिए ये जानबूझ करके, क्योंकि इनको मालूम है कि ये मामला होगा, न्यायालय में जाएगा और न्यायालय में जा करके इनको नौजवानों के साथ छल करना है, इसीलिए झारखंड के अंदर इन्होंने भोजपुरी को रोकने का काम किया। आज साहेबगंज जिला के अंदर भोजपुरी के प्राथमिकता के साथ लोग बोलते हैं ताकि यहाँ के नौजवान कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा में नहीं बैठ पाए, चाहे वो मैथिली को बोलने की बात हो, चाहे अंगिका भाषी भाषा के हो, चाहे हिंदी भाषी क्षेत्र का हो, चाहे हिंदी भाषा का हो, चाहे अंग्रेजी भाषा का क्षेत्र हो, इनको इनके द्वितीय राजभाषा में ऐसे भाषाई छात्रों को, युवाओं को रोकने का काम कर रही है, वहीं उर्दू को सरकार ने संरक्षित करके पोषित करने का काम किया है। तो यह सरकार केवल भेदभाव पर स्थापित है, तुष्टीकरण की राजनीति पर रुकी हुई है, विकास कार्य पूरे प्रदेश के अंदर ठप पड़े हुए हैं। मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं, पिछले दिनों माननीय ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब इसी जिले से आते हैं, मैंने कई बार उनसे निवेदन किया, अभी तक राजमहल विधानसभा क्षेत्र में विगत 2 वर्षों के शासनकाल में
इसकी जानकारी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दी। मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूँ, पिछले दिनों माननीय ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब इसी जिले से आते हैं, मैंने कई बार उनसे निवेदन किया। अभी तक राजमहल विधानसभा क्षेत्र में विगत 2 वर्षों के शासनकाल में इसकी जानकारी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दी, 1 किलोमीटर सड़क भी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। पूरे साहेबगंज जिले की सड़कें बदहाल है, बिजली की कटौती लगातार जारी है। अभी विधानसभा में सरकार ने एक विधेयक लेकर के आया था, मैंने उस विधेयक पर अपना संशोधन भी डाला था और वह संशोधन था कि छोटे उद्योगों को सरकार संरक्षण दे रही थी। मैंने सदन के अंदर कहा, आप साहेबगंज जिले के अंदर जाकर के जानकारी लीजिए, सब छोटे छोटे लोग, कोई मजदूर है, कोई सामान्य आदमी है, वो उसको वो बिजली चोरी के मामले में या बिजली का बिल भुगतान नहीं कर पाता है तो सरकार उसको गिरफ्तार करती है, उसको पेनाल्टी चार्ज करती है। और दूसरी तरफ सरकार उद्योगों को संरक्षण देने के लिए, हम भारतीय जनता पार्टी उद्योगों के संरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन अगर पहले उस गरीब की प्राथमिकता देनी चाहिए थी जो आपके घोषणा पत्र में था, और इसी नाते सरकार के झूठ और लूट के जो 2 साल है, इस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश भर में पत्रकार वार्ता के माध्यम से राज्य की जनता में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक इस राज्य को युगंत प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाने का काम किया है। झारखंड को हम बदहाल स्थिति में नहीं छोड़ सकते हैं। एक सजग राजनीतिक दल के नाते और एक सजग नागरिक होने के नाते भी प्रदेश के युवाओं के सवाल पर, प्रदेश के किसानों के सवाल पर, प्रदेश के मजदूरों के सवाल पर, आम गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान उसके सवाल पर भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करेगी। यही आज आप सबके माध्यम से आज जो हम सबका जो पत्रकार के साथ बैठे हैं, और यह सरकार आदिवासी विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, महिला विरोधी है, लगातार समाज के हर वर्ग के लोगों के खिलाफ में सरकार निर्णय करते जा रही है। यह किसी का हितकारी यह सरकार नहीं है, और वर्तमान सरकार के मंत्री लगातार इस राज्य को तुष्टीकरण और धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाले निर्णय करने में व्यस्त है और उसकी बयानबाजी करने में मशगूल है। वहीं आप देखेंगे कि स्वास्थ्य विभाग का यहाँ का हाल क्या है। अब सरकार पहले प्रदेश के अंदर लोग खून के बारे में कहता था कि लोग जो जरूरतमंद है उसको सरकार लोग समाज संगठन के लोग उसको खून देते थे, अब ये सरकार खून बेचने का भी काम करना शुरू कर दी है। मैंने अभी विधानसभा में उसको सरकार लोग समाज संगठन के लोग उसको खून देते थे, अब ये सरकार खून बेचने का भी काम करना शुरू कर दी है। मैंने अभी विधानसभा के अंदर साहेबगंज जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का हमने प्रश्न उठाया था और माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग के माननीय मंत्री जी, वो मौन साधे रहे। हमने विधानसभा के माध्यम से कहा कि उधवा एक ब्लॉक है जहाँ एक डॉक्टर के भरोसे 2.5 लाख की आबादी चल रही है। साहेबगंज सदर अस्पताल में यहाँ हमारे दिव्यांग लोग महीनों इंतजार करते हैं कि डॉक्टर आएंगे, धनबाद से आएंगे, दुमका से आएंगे और उसके बाद होगा, जबकि सरकार ने अपने बजट भाषण में इसको सुपर स्पेशलिटी सदर अस्पताल की मान्यता दी थी। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में विधानसभा के अंदर बजट भाषण में, आप उठा करके देख लीजिए, पहला बजट भाषण में सरकार ने कहा था कि विशेषज्ञों का हम टीम, विशेषज्ञ डॉक्टरों का पोस्टिंग साहेबगंज में करेंगे, सदर अस्पताल में करेंगे। आज साहेबगंज सदर अस्पताल बदहाल है, राजमहल सदर अस्पताल बदहाल है, उधवा की आलम ही अलग है, उधवा का तो स्थिति और भी ज़्यादा बदतर है। तो ये स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से राज्य में चरमराया हुआ है और सरकार ब्लड बैंकों में जो जमा समाज के गणमान्य नागरिकों के द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा जो खून है उसको भी सरकार खून बेचना अब प्रारंभ कर दी है। इसलिए इस सरकार के जो 2 साल है वो पूरा 2 साल लूट के 2 साल के रूप में जाना जाएगा। आप सबों के माध्यम से यही भावना हमने आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देश पर आप सबों के बीच में हमने रखा। R9 भारत के लिए साहिबगंज झारखंड से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट।